उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने 4 चोरों से 8 बाइक जब्त की है। इनमें से एक बाइक बदमाशों ने यूनिवर्सिटी परिसर स्थित विक्रम सरोवर में डाल दी थी। आरोपी केवल रेसिंग और महंगी बाइक ही चोरी करते थे। चोरी के बाद पुलिस की नजरों से बचाने के लिए बाइक किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी कर देते थे। चोरों द्वारा विक्रम यूनिवर्सिटी परिसर स्थित तालाब में एक बाइक को डुबो दिया, जिसे 2 दिन की मशक्कत के बाद रविवार को निकाला गया। कल हमारे द्वारा 7 गाड़ियां वाहन चोरों से जब्त की थी। बहुत ही लग्जरी गाड़ियां, जिसमें 2 बुलेट है, 1 पल्सर है, R15 भी है, मतलब काफ़ी महंगी किस्म की गाड़ियां हैं। उक्त बदमाश अत्यंत शातिर हैं, जिनके द्वारा एक गाड़ी यूनिवर्सिटी के तालाब में छुपा देना बताया था। उस आधार पर आज यूनिवर्सिटी का तालाब की हमारे द्वारा सर्चिंग की गई और सर्चिंग के बाद गाड़ी को रिकवर किया गया और पूछताछ जारी है। आरोपी भूरा हमारे पास अंडर कस्टडी PR पे हैं, उससे और भी पूछताछ जारी है। यदि और भी गाड़ियां निकलती हैं कहीं से भी, किन भी परिस्थिति में गाड़ियां होंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग जब्त करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।